दोस्तों, स्मिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी लेके आई दोस्तों, मैदा की मठरी की रेसिपी। तो बहुत जल्दी बन जाती है और झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप इसको बना के स्टोर करके 15-20 दिन के लिए रख सकते हैं। फिर तोड़ के दिखाती हूँ कितने बड़ी बनी है। देखिए, ये बहुत ही बढ़िया है। आप चाय के साथ आप खाली भी खा सकते हैं। अब चलिए इस मठरी को हम कैसे बनाए हैं देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा ले लेंगे, इसी कप के मदद से 3 कप मैदा ले लेंगे। मैदा को अच्छी तरह से छान लीजिए, तभी भी इस्तेमाल करें। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, थोड़ी सी अजवाइन डाल देंगे और 1 कप रिफाइंड ऑयल है। आप घी से भी बना सकते हैं, मोइन ज़्यादा ज़रूरी होती है मठरी में। अब हम मिक्स करेंगे। देखिए, हमने मिक्स कर दिया है। देखिए मुट्ठी हो गई है। अच्छी तरह से मिक्स करना है और मठरी में ज़्यादातर मोइन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप जितना अच्छी मोइन लगाएंगे आपकी मठरी उतना ही बढ़िया बनेगी। इसी तरह से चाहिए हमें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो तैयार करेंगे। हमें नरम डो नहीं चाहिए, टाइट डो बनानी है। देखिए, हमने आटा लगा लिया है। मठरी के लिए आटा ने टाइट ही रखनी पड़ती है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। चलिए 10 मिनट बाद आटा चेक करते हैं। देखिए, आटा हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। प्लेटफॉर्म में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दोनों हाथों से मसल लेंगे। आटा को हम कट लगा लेंगे। अब हम आटा को इसी तरह से गोला बना लेंगे। इसी तरह से हम हाथों में दबा लेंगे। अब हम बेलेंगे। इसी तरह से बेलना है हमें। देखिए, ज़्यादा मोटी नहीं है ना ज़्यादा पतली है। अब हम चक्कू ले लेंगे, इसी तरह से काट लेंगे। देखिए, काट लिया है। अब हम बीच में से और एक कट लगा लेंगे। अब हम एक एक करके निकाल लेंगे इसी तरह से। देखिए, और एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से हमें सारे रेडी करनी है। देखिए, हमने रेडी कर लिया है। अब हम गैस पे चलते हैं। पहले से ही हम ऑयल डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल है। ऑयल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब हम मठरी को डाल देंगे। अब हम चला लेंगे। इसी तरह से हम थोड़ी देर के लिए छोड़ के रख देंगे। अब हम फिर से चला देंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करके मठरी को सेक लेंगे। कभी भी मठरी सेकने टाइम आप गैस का फ्लेम हाई मत करिए, नहीं तो आपकी मठरी कच्ची रह जाएगी अंदर। इसी तरह से हम चलाते हुए सेक लेंगे। देखिए, कलर चेंज हो गई, कितनी बढ़िया कलर आ गई है। इसी तरह से हम पूरे 5 मिनट तक सेका है। अब हम निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, कैसे आवाज़ आ रही है। अब हम टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि स्टोन सूख ले। देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया कलर आई है। इस तरह से हम सारे मठरी को सेक लेंगे। चलिए दोस्तों, ये भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम निकाल लेंगे। देखिए, मठरी हमारी रेडी हो गई है दोस्तों। आप चाय के साथ खा सकते हैं। आप इसको बना के महीने भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, कोई डिब्बी में भर के रख दीजिए। तो मेरी ये मठरी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।